type extrinsic semiconductor is obtained when germanium is doped with. तो डोपिंग जो है वो दो टाइप का होता है, एक होता है ट्राइवेलेंट का, ट्राइवेलेंट एलिमेंट से, या फिर एक होता है पेंटावेलेंट एलिमेंट से. तो ट्राइवेलेंट जो है वो बोरॉन का फैमिली होता है पूरा, पेंटावेलेंट जो है वो नाइट्रोजन का होता है. तो इसमें अर्सेनिक, एंटीमनी, फॉस्फरस, ये तीनों के तीनों जो है वो नाइट्रोजन के फैमिली में आते हैं. नाइट्रोजन के बाद आएगा फॉस्फरस, फिर आएगा नाइट्रोजन, फॉस्फरस, अर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ. और बोरॉन के फैमिली में, ठीक है, बोरॉन तो यहाँ पे डायरेक्टली दिया है. इसमें वैसे तो तीन ऑप्शन जो है वो पेंटावेलेंट है, सिर्फ एक ऑप्शन जो है वो ट्राइवेलेंट है. तो वैसे हम देख सकते हैं कि इसका आंसर तो बोरॉन ही होगा, ठीक है. लेकिन ये थ्योरी थोड़ा पता होना चाहिए कि जब हम ट्राइवेलेंट से डोपिंग करते हैं तो हमें सेमीकंडक्टर मिलता है, और जब हम पेंटावेलेंट से डोपिंग करते हैं तब हमें मिलता है एन टाइप. तो ये थोड़ा याद रखना है. इसमें तो थोड़ा अगर कंफ्यूजन भी होगा तो वैसे तो एक ऑप्शन जो वो थोड़ा अलग होगा, बोरॉन है यहाँ पे ट्रेंड, बाकी सारे पेंटावेलेंट है. तो इस क्वेश्चन का आंसर जो वो होगा बोरॉन.